भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हमारे छात्रों की भविष्य की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मगर आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री एक के बाद एक बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, मगर आपने अब तक चुप्पी अख्तियार कर रखी है, अब तक आप खामोश हैं। यह है आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अहंकार के पुतले, अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं। खबर निहायत ही शॉकिंग है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पहले नीट परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, चीटिंग करवाई गई, और उसके बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। और यह परीक्षा कब हुई थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। यह परीक्षा 18 जून को हुई थी। 18 जून को परीक्षा होती है और उसके एक दिन बाद यानी कल रात को सरकार यह फरमान जारी करती है और यह कहती है कि इस पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के साथ समझौता हुआ है, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। सिर्फ एक दिन बाद यह सब हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार को कोई परवाह है छात्रों के भविष्य को लेकर? मैं समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश क्यों हैं? यानी कि चुनाव खत्म हो गए हैं, मगर प्रधानमंत्री अब भी ऐसा लग रहा है चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। कभी वो बनारस पहुंच जाते हैं, अब वो जम्मू जा रहे हैं, कभी वो पटना पहुंच जाते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या आपको छात्रों के भविष्य की कोई परवाह है? आप तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं ना, मगर नीट धांधली पर आपने अब तक चुप्पी अख्तियार कर रखी है, क्यों? मैं समझना चाहता हूं। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जिसे कोई परवाह नहीं होती तो मैं समझ सकता था, मगर इन्हीं छात्रों का वोट लेने के लिए आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं। और हो क्या रहा है दोस्तों, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष उग्र हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, भाजपा सरकार का लीक तंत्र, वह लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? आप में से जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों कि नेट परीक्षा क्या होती है, यूजीसी नेट परीक्षा क्या होती है, तो आपके स्क्रीन पर मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि दरअसल ये होता क्या है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पेपर दिया था। सरकार को आशंका है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सीबीआई को अब केस सौंप दिया गया है। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है। नीट की तरह इसका आयोजन भी एनटीए करता है, वो एनटीए जिसके बारे में, जिसकी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे धर्मेंद्र प्रधान। मैं समझना चाहता हूं इस एनटीए को रद्द क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह है? क्या वजह है कि इस तरह से एनटीए का संरक्षण किया जा रहा है? क्या वजह है कि पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, उल्टा वो कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद कहते नहीं हो सकता है कि एनटीए से कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ पेपर लीक हुए हो? और ये सब शिक्षा मंत्री के सामने हो रहा था। गोधरा में बाकायदा चीटिंग करवाई जा रही थी, करोड़ों का हेर फेर हुआ था, 2 करोड़ रुपए मिले थे एक आदमी के पास, कई ब्लैंक चेक्स मिले थे एक आदमी के पास। पटना में बाकायदा गिरफ्तारी हुई है 12 लोगों की, 12 आरोपी हैं इस मामले में, मगर हमारे शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं दिखाई देता। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्या वजह है, क्यों आप हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, गीतकार वरुण ग्रोवर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है आपके स्क्रीन पर। वरुण ग्रोवर कहते हैं, साधारण जीवन तो परीक्षा बना दिया है, पर साधारण परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। इतनी वाजिब बात यहां पर कही है, क्योंकि रोजमर्रा के जिंदगी को तो आपने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बना दिया है, मगर एक साधारण सी परीक्षा आप नहीं करवा पा रहे हैं। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2014 से पहले भी गड़बड़ियां होती थी, एक पत्रकार होने के नाते हम सवाल उठाते थे, मगर इस तरह का अहंकार हमने उस वक्त के मंत्रियों में नहीं देखा था। उन्हें हम कटघरे में रखते थे, उन पर सवाल उठाते थे, मगर यहां देखिए प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपकी खामोशी की वजह क्या है?
मैं तीसरी बार कह रहा हूं, आप तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं ना प्रधानमंत्री, तो क्या वजह है कि आप इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा को धूल चटाने वाले अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सख्त बयान जारी किया है। गौर कीजिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। और अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। यह देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। गहरी बात समझिए, पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा ना होने से पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है उसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। लोग कह रहे हैं जो भ्रष्ट लोग कोरोना के वैक्सीन में चुनावी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रुपए खा सकते हैं, वो भला परीक्षा प्रणाली को क्या छोड़ेंगे? कांग्रेस ने इस पर सख्त तेवर अपनाए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि एनटीए को रद्द किया जाए, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, सख्त तेवर अपनाते हुए। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात व हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियां होती हैं तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी, नीट में भी सरकार की धांधली व पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। कांग्रेस के नेता वरुण चौधरी कह रहे हैं कि एनटीए को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। उनका कहना है कि 2017 में जब बीजेपी सरकार एनटीए लेकर आई थी तो कहा था कि इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सुनिए वरुण क्या कह रहे हैं। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। आपको पता होगा प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये एनटीए शुरू करा था 2017 में तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे थे कि किस तरीके सीबीएसई 10 या 15 पेपर एक साथ कराता है, बहुत ज्यादा सीबीएसई पर बर्डन है, कहीं ना कहीं सीबीएसई ये एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी लेके आ रहे हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आप अगर उनका ट्वीट खोलेंगे 2017 का, वो ट्वीट में भी क्लियर ये मेंशन करते हैं कि 2017 में हम क्यों एनटीए लेकर आए। और आपको मैं बता दूं, आज के समय में जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम अब कोर्ट से भी एक अपील करेंगे और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी अपील है। और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद एनटीए के साथ मिले हुए हैं इस पेपर लीक के कांड में, जो नीट का पेपर लीक हुआ है। वरना कोई भी सरकार, एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं और दूसरी तरफ एनटीए है, तो ऐसा क्या उनको प्यार नजर आ रहा है एनटीए से धर्मेंद्र प्रधान जी को कि बार बार अब उन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वरुण चौधरी ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, क्यों, क्या वजह है? और इस बात को लेकर अब कांग्रेस जो है वो घेराव भी करने जा रही है, छात्र संसद घेराव करने जा रही है। सुनिए वरुण क्या कह रहे हैं। एक हम लोग 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है उस दिन ओथ लेंगे हम। कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को भी जगाएं कि लगभग 4 तारीख को उनकी सरकार बन गई थी और लगभग इतने दिन हो गए अभी तक उनका भी ना कोई ट्वीट आया ना कोई बयान आया है नीट को लेकर। वो बार बार जब एग्जाम होता है उससे पहले परीक्षा पे बहुत चर्चा करते हैं हर साल, अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी युवा न्याय लेकर आई थी उसमें हमने पेपर लीक की बात करी थी, एक वादा भी करा था कि पेपर लीक से मुक्ति।
तो वो हम ये जो वादा हम भी इसलिए कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये सरकार पेपर लीक से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दे। आज इस मंच पर मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके फुल स्क्रीन पर वो सवाल आ रहे हैं। सवाल नंबर एक आपके स्क्रीन पर, सीबीआई जांच होगी मगर जवाबदेही कब तय होगी? जी हां, आखिर क्या वजह है कि कोई जवाबदेही सरकार में नहीं होती है? रेल हादसे हो जाते हैं, अश्विनी वैष्णव जाकर घटनास्थल पर ड्रामा करते हैं, और पहली बार नहीं है। बालासोर जब ट्रेन हादसा हुआ था तब भी इन्होंने ड्रामा किया था, आंसू बहाने का, भारत माता की जय के नारे लगाने का, और फिर ड्रामा इन्होंने यहां पर कर दिया था जब जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा होता है। तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, यह जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है सरकार में, आखिर क्यों? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मंत्री कब अहंकार छोड़ जिम्मेदारी लेंगे? ये शिक्षा मंत्री ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, लगातार इनके नथुने फूले रहते हैं, लगातार गुस्से में रहते हैं। किस बात का गुस्सा है भाई? तीसरी बार पावर में आ गए हैं आप, अब तो जिम्मेदारी लीजिए, अब तो पीछे मुड़कर देखना छोड़िए। बार बार कांग्रेस पर आप दोष कब तक मढ़ते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी से आप कब तक बचते रहेंगे? इसके बाद एक और अहम सवाल मेरा, दोबारा परीक्षा देने पर छात्रों को जो असुविधा होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। 18 जून को जिन लोगों ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, गर्मियों में वो अपने मां बाप के साथ पहुंचे या अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे, मुश्किल हालात में पहुंचे, अब ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इनमें से कई लोग गरीब घरों से आते हैं, इन्होंने हजारों रुपया खर्चा किया होगा अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए। क्या इस सरकार को इस बात का अंदाजा है कि अब फिर से ये असुविधा से गुजरना पड़ेगा, फिर से उन्हें अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा? क्या सरकार इस पैसे को रिफंड करेगी? सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए जो खर्चा इन छात्रों का होगा, ये मैं बड़ी मांग कर रहा हूं, जो खर्चा इन छात्रों का होगा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने तक, सरकार को इसे रीइंबर्स करना चाहिए। मैं जानता हूं आप में से कई लोग हंस रहे होंगे कि सरकार ये काम थोड़ा ना करेगी। हां, सरकार धन्ना सेठों का पैसा तो रीइंबर्स कर सकती है, मगर किसानों, छात्रों, गरीबों का पैसा आप रीइंबर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं समझना चाहता हूं। क्या गलत है अगर मैं सवाल उठा रहा हूं कि दोबारा छात्र जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, बिहार से दिल्ली जाएंगे या जहां जहां जाएंगे, उनका पैसा लगेगा ना? इनमें से कई लोग गरीब परिवारों से आते हैं, उनका क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप परीक्षा पर चर्चा करते हो, ईश्वर के लिए कुछ तो सोचिए। और उसके बाद एक और अहम सवाल, कब थमेगा पेपर लीक का सिलसिला? जी हां, दो मामले सामने आ गए और ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दो मामले सामने उभर कर आ गए। पिछले 10 सालों से जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षा का, वैसे ही आपने मजाक बनाकर रख दिया है, एजेंडा आप शिक्षा में लगातार चला रहे हैं। हमारे जो करिकुलम है उसमें अनाप शनाप चीजें डाली जा रही हैं, वो तमाम चीजें चल रही हैं, ऊपर से पेपर लीक भी हो रहे हैं। तो यहां पर सवाल तो होगा ना, कब थमेगा पेपर लीक का सिलसिला? और आखिरी सवाल, क्या पेपर लीक से है बीजेपी का सीधा नाता? यह सवाल तो उठेगा ना दोस्तों। और ऐसी खबरें भी आई थी कि उसमें एक बीजेपी लिंक था, बीजेपी नेता का लिंक था, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं, चाहे पटना हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा की ज्वाइंट सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है तो सिर्फ भाजपा का हो सकता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था आपके हाथों में है, और जब पूरी व्यवस्था आपके हाथ में होती है तब आप जो मर्जी कर सकते हैं। ये सवालात उठेंगे, इन सवालों से आप बच नहीं सकते। और एक अपील जनता से भी, जो मुद्दे मैं आपके सामने अपने मंच पर रखता हूं, ये आपके मुद्दे हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं। अपील मध्यम वर्गीय परिवारों से, आप में से अधिकतर लोग जो जहर प्राइम टाइम में उड़ेला जाता है वो नसों में आपके भर चुका है, लिहाजा जो असली मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है, असली मुद्दों पर आपने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है, और अब सवाल आपके बच्चों के भविष्य का है। मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछना चाहूंगा,
क्या आपके लिए हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करने वाली खबरें ज्यादा जरूरी हैं या आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई खबरें? और वो खबरें कौन सी हैं? नीट परीक्षा में धांधली, यूजीसी नेट परीक्षा का रद्द होना, ये हैं वो खबरें, ये हैं वो मुद्दे जिनसे आपका सीधा नाता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे जैसा कि आप 2014 से पहले किया करते थे, तो माफ कीजिएगा, आप न सिर्फ अपना, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कृपया अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी मत कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।